सभी के लिए आखिरी उम्मीद के किरण बनकर के आए डीआईजी संजीव सर, क्योंकि जब से सभी भोसले हाउस को छोड़ करके आई है तब से सभी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना कर रही है। अभी सभी के पास रहने के लिए ना ही घर है, ना ही अपने ताई के इलाज के लिए पैसे। सभी के लिए मसीहा बनकर के आए संजीव सर। जी हाँ दोस्तों, स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो गुम है किसी के प्यार में के आने वाले अपकमिंग काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार और इमोशनल से भरा देखने को मिलने वाला है, जहां आप सबको देखने को मिलने वाला है कि जिस तरह से सभी ईशान की सच्चाई जानने के बाद भोसले हाउस छोड़ कर के आ चुकी है, वहीं सभी के ऊपर आई बहुत बड़ी मुसीबत का पहाड़ और लगा पेपर लीक करने का इल्ज़ाम सभी के ऊपर, वहीं इंस्पेक्टर बाजीराव सर के द्वारा सभी को बेगुनाह बताया गया, जिसके बाद राव साहब दूसरे पुलिस से जांच करवाने की मांग रख दी है। तक के लिए सभी के पास न रहने के लिए घर है, न अपने हैरनी ताई के हॉस्पिटल के बिल भरने के लिए पैसे है। अब सभी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है और टूट चुकी है, लेकिन इस मुसीबत के घड़ी में आए उम्मीद के किरण बन करके सभी के लिए डीआईजी संजीव सर, जो कि सभी के पापा विराट चौहान के टाइम के पुलिस कमिश्नर थे और विराट से संजीव सर की अच्छी खासी दोस्ती थी और सभी के आई को डीआईजी संजीव सर अपना बेटी मानते थे। अब ऐसे में आपको क्या लगता है, सभी के नाना बनकर के संजीव सर सभी के हर मुसीबत का ढाल बनकर के डीआईजी संजीव सर साथ देंगे या फिर नहीं? दोस्तों, इसमें आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।